गई तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर वाइज किन किन चीजों का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, नॉट टू एक्सप्रेस बट टू इम्प्रेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी कॉमर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्किंग नोट टर्म टू अकाउंट्स के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में बनाना है। देखो, पता है क्या, इन दिनों सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है कि हमें क्वेश्चन करते तो आता है, कॉन्सेप्ट पता है, बट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब कॉपी में करने बैठते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखना है। इस टाइम पर ही जानना बहुत जरूरी है कि वर्किंग नोट कौन से क्वेश्चन पे बनाना है, बिकॉज आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज की किन किन चीजों का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट की। अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब आप करेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो ना, तो अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको लिखना होता है और देखना होता है कि टोटल करंट ईयर से रिलेटेड इंटरेस्ट कितना था। तो उस टाइम पर अगर एक बार समझना, अगर आप अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस अकाउंट के अंदर शो नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप कैलकुलेशन अंदर शो नहीं कर पाते, जगह इतनी नहीं होती है, तो आपको इसके कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में शो करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई भी वैल्यू है तो कैसे वो पैसा आया, तो उसका आपको इस तरीके का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि आप इंप्रेस कर पाए चेकर को, राइट? अब अगर बात करें नेक्स्ट चीज की, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कंजप्शन इफ मेड बाय यूजिंग अकाउंट मेथड। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो तो सब्सक्रिप्शन आप कैसे निकाल लेते हो, जैसे सब्सक्रिप्शन लिखा आपने तो यहां पर उसी में आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, प्रीपेड को माइनस कर दिया, ऐसे करके आप निकाल लेते हो अकाउंट के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट मेथड के अलावा अकाउंट मेथड का यूज करके करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन निकालते हो। उस टाइम पर आपको बात ध्यान रखनी है कि उस अकाउंट को आपको शो करना पड़ेगा इन द वर्किंग नोट। मतलब ये कि एनपीओ चैप्टर में अगर आप कोई भी कंजप्शन या सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन अकाउंट बनाकर करते हैं, तो ध्यान रखना आपको वर्किंग नोट में जरूर शो करना है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। आप सभी को पता होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे फंड में 40,000 रुपए हैं और मैंने खर्चा कर दिया है 70,000 रुपए का, ठीक? तो हम सबको पता होता है कि 30,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे जाएंगे, लेकिन ये आपको नोट टू अकाउंट में, मतलब वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसा आया। और चौथी, ऐसी कोई भी बात जो कि आप चाह रहे हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन तो कर रहा हूं पर क्या सामने वाले को समझ में आएगा, तो बिना सोचे, मतलब खुल के एक बार बताऊं, एग्जाम में डिफेंसिव नहीं होना है, अटैकिंग होना है। मतलब ये ऐसा करो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, जैसे समझ रहे हो ना, इंप्रेस करते हैं वैसे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ। देखो यहां पर सीधी सी बात है, जब कभी भी आप न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर दे, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बनाया गया, देखो यहां पर इसने गेनिंग रेशियो निकाला है, कैसे निकाला पूरा वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा इसका। वहीं अगर आप गुडविल निकालते हो, भले वो हिडन गुडविल हो या फिर डिसीज्ड पार्टनर की गुडविल का शेयर हो, तो आपको भाई साहब वो वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि आपने कैसे निकाला। वहीं जो अपन कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, याद है, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस पे, तो उसका भी कैलकुलेशन आपको शो करना पड़ेगा कि किस तरीके से, कैसे, किस आधार पर आपने डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकाला, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं हम वही फोर्थ बात की, मतलब अगर आपको इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो और ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कुछ कैलकुलेट किया हूं पर वही बात आ रही है कि सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो दिल खोलकर उसका वर्किंग नोट बना दो, ठीक? ये बात दिमाग में रखना। अब बात करते हैं डिसॉल्यूशन की, तो भाई ये तो बड़ा आसान चैप्टर है, यहां पर आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि जब कभी भी आप रियलाइज कोई एसेट को रियलाइज कर रहे हो या किसी लायबिलिटी को पे कर रहे हो और जो पेमेंट या रियलाइजेशन की वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के दिए, जस्ट लाइक दैट कि 40% ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जब ऐसे कुछ आते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है, पहले 40% निकालना होगा, फिर 10% ऐड करना होगा, तो आपको वो वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कितने रुपए में रियलाइज हुआ है। तो ये दूसरा एग्जांपल है कुछ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको वर्किंग नोट में ये चीजें शो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप और कोई भी चीज चाहते हैं जिसका आप इजहार करना चाहते हो चैकर के सामने, तो आप लिख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इश्यू ऑफ डिबेंचर की, तो भाई साहब यहां तो सिर्फ एक ही चीज है, जब कभी भी आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड
निकालते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे मान लो पीसीए परचेस कंसिडरेशन है 10 लाख, ठीक, और आपने डिसाइड किया कि भी हम 100 रुपए वाला डेवेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितने डेवेंचर इशू कर रहे हो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। स्पेशली जब प्रीमियम की कंडीशन होती है, जब डिस्काउंट की कंडीशन होती है, तो ये निकालना तो मैंडेटरी ही होता है। तो उस यूनिट का कैलकुलेशन आपको दिखाना जरूर पड़ेगा इन द वर्किंग नोट। अगर हम बात करें एक और चीज की, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ और बताना है, सो ऑफकोर्स यू कैन, राइट। चलो अब बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बड़ा आसान है भाया, सीरियसली आसान है। अगर आपको कैश फ्लो टफ लग रहा है तो आप ये ऊपर वाली पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा कैश फ्लो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ, डेवेंचर की बात करूँ तो डेवेंचर का वन शॉट भी आपको ऊपर ही मिल जाएगा, मतलब एक वीडियो में ही आपका डेवेंचर कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी कैश फ्लो की आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है ये तो मैंडेटरी हो जाता है। इस चैप्टर का वर्किंग नोट नहीं बनाया तो भैया मार्क्स कटेंगे भारी वाले। तो अगर तुम एनपी 80 से एनपी बीटी जब जाते हो, मैंने बताया था एनपी 80 से एनपी बीटी में जाने के लिए आप जितनी भी चीजें ऐड करते हो, तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है ये आपको दिखाना पड़ता है इन द वर्किंग नोट। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इसने क्या किया है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाह रहे हैं तो इसने देखो किस तरीके से कैलकुलेशन शो किया है, ठीक। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग इफ नॉट शोन इन द स्टेटमेंट। जैसे कभी कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन होता है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, कितना आपने निकाला है। अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही छोटा छोटा लिख के ऐसा 1 लाख गुड 10/100 करके शो कर पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको इसे वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं, एडी अकाउंट बना रहे हैं, या फिर कोई भी एसेट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यू मस्ट 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 हैव टू प्रिपेयर दैट अकाउंट इन द वर्किंग नोट। ओके, सो ये था कंप्लीट वीडियो, होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर वाइज किन किन चीजों का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, नॉट टू एक्सप्रेस बट टू इम्प्रेस। वेट, आपको एक बात पता है, जब आप अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो बाय और टू लिखते हो ना, अगर वो नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, और अगर लिखते भी हो तो कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते। ऐसी 3 बातें और जानने के लिए आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।